लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच के सामने आज होना होगा पेश। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच के सामने आज होना होगा पेश। पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर एक और नोटिस किया चस्पा। काशीराम की पुण्यतिथि आज, शक्ति प्रदर्शन के साथ बीएसपी प्रमुख मायावती आज करेंगी 2022 का चुनावी शंखनाद, दलितों को साधने की कवायद। टीएमसी में शामिल होने के बाद भी बाबुल सुप्रियो खाली हाथ, चुनाव अभियान के लिए ममता ने नहीं दी तरजीह, पुराने दिग्गजों का बढ़ाया कद। फिर पुराने अंदाज और तेवर में दिखे लालू यादव, रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देकर चिराग को लेकर कही बड़ी बात, बोले पासवान की विरासत अब चिराग के हाथों में। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, आज से 4 दिन के दौरे पर गोवा जाएंगे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, समिति अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। सपा संरक्षक मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बोली, जो नेताजी कहेंगे करूंगी, योगी जी को नमन है। घाटी में बिगड़े हालात पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, टारगेट किलिंग पर बनेगी रणनीति। सीमा विवाद को लेकर असम और मेघालय के अधिकारियों के बीच आज होगी मुलाकात, निकल सकता है बीच का रास्ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़, आज जारी होगी दूसरी कट ऑफ, पहले कट ऑफ लिस्ट के बाद करीब 59,000 आवेदन प्राप्त हुए। देश में घटे कोरोना वायरस के आंकड़े, देश में कोरोना के 19,740 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 248 लोगों ने गंवाई जान। आज से भारत के दौरे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन, आगरा किला और ताजमहल का करेंगी दीदार, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात। अफगानिस्तान में मस्जिद में विस्फोट के चलते कम से कम 50 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, आईएसआई ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत अमेरिका की दोस्ती होगी मजबूत, इंडो पैसिफिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत अमेरिका के रक्षा अधिकारियों की बैठक। सैन्य वापसी के बाद अमेरिका पहली बार करेगा तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत, अफगानिस्तान की स्थिति पर होगी चर्चा। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी पर भारत का पलटवार, कहा आपके पास भ्रामक जानकारी, हमारे मामलों में दखल ना दें। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बुरी खबर, विश्व बैंक ने कहा 8.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी नहीं सुधरे हालात। हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हुआ इंस्टाग्राम, यूजर्स हुए परेशान, कंपनी ने कहा तकनीकी खामी की वजह से डाउन हुआ इंस्टाग्राम। त्योहार को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़, विस्तारा ने यात्रियों को चेक इन के लिए जल्दी रिपोर्ट करने की दी सलाह। नहीं थम रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम में 30 पैसे डीजल के दाम में 35 रुपए तक बढ़े, लगातार 5वें दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू किया पैसेंजर ट्रेन का संचालन, आज से प्रतिदिन चलेगी कई गाड़ियां।